गुरुग्राम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक बनने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई, जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये सड़क करीब 2.5 किलोमीटर की है, जिसे अब 21 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर की करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मेट्रो के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। 4 चरणों में जो काम होना है उसे 2025 तक पूरा किया जाएगा, इस पर भी अधिकारियों ने जानकारी दी है। इसके अलावा CPR पर 135 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिसे सीधे नजफगढ़ ड्रेन से मिलाया जाएगा। एक तो उसके अंदर हीरो होंडा चौक से और उमंग भारद्वाज चौक तक जो रोड की वाइडनिंग है उसमें ये 30 मीटर से 60 मीटर होगी, लगभग 2.4 किलोमीटर का ये है, 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। एक इसके बाद बजट के ऊपर भी चर्चा हुई। इस बजट में पिछली बार जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा वो रखा गया है, तो उसमें 202 करोड़ रुपए की इनकम हुई है GMDA को, 223 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, तो 21 करोड़ रुपए का लॉस है जो बजट में से इसको पूरा किया जाएगा। ऐसे ही जो रेवेन्यू जनरेशन और कैसे बढ़े, क्योंकि GMDA का जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतने उसमें एक्सपेंडिचर आगे की योजनाओं में बढ़ने वाले हैं। तो जो स्टाम्प ड्यूटी के 2% का पैसा पहले लिया जाता था ULB के द्वारा, अब उसमें से 1% जो है GMDA को मिलेगा और 1% ULB को मिलेगा। गौरतलब है कि गुरुग्राम में पिछले काफी समय से मेडिकल कॉलेज को लेकर जो योजना चल रही है उसमें 750 बेड का शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। GMDA की जो 200 बसें गुरुग्राम के लिए खरीदी गई थी उनमें से 40 बसें फरीदाबाद को दी जाएंगी। GMDA के विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है और किस तरह से GMDA की इनकम बढ़े उस पर भी विचार से चर्चा हुई। मेडिकल कॉलेज शीतला माता मेडिकल कॉलेज जो योजना यहाँ बनी है उसका भी प्रपोजल उसको बनाया गया है। 650 बेड्स और प्लस 100 बेड्स होंगे किसके, ट्रॉमा के, तो ऐसे 750 बेड का ये हॉस्पिटल होगा और 250 सीटें मेडिकल कॉलेज की होंगी। तो इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट लगभग 1,000 करोड़ के आसपास इसको खर्च आएगा, इसको भी आज क्लियर किया गया है। हालांकि किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि इस आंदोलन में आज जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया था वो पूरे हरियाणा में शांतिपूर्ण रहा है। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।